नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। आईसीसी ने दशक के सबसे बेहतरीन वनडे, टेस्ट और टी20 टीम की घोषणा के बाद दशक का सबसे बेहतरीन टेस्ट वनडे और टी20 क्रिकेटर का भी चुनाव कर दिया है। भारतीय कप्तान विराट कोहली को आईसीसी ने दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे पुरुष क्रिकेटर चुना है, तो वहीं टेस्ट में दशक का सबसे बेहतरीन क्रिकेटर स्टीव स्मिथ को चुना गया। साथ ही साथ टी20 की बात करें तो दशक का बेहतरीन पुरुष क्रिकेटर अफगानिस्तान के स्पिन जादूगर राशिद खान को चुना गया है। सबसे पहले आईसीसी टी20 प्लेयर ऑफ द डेकेड राशिद खान की बात करें तो इस दशक उन्होंने महज 12.62 की औसत से सबसे ज्यादा 89 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उनके नाम 3 बार टी20 क्रिकेट में 4 विकेट तो वहीं 2 बार 5 विकेट हॉल है। आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द डेकेड मेल यानी स्टीव स्मिथ की बात की जाए तो इस दशक उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना दबदबा बरकरार रखा है। इस दशक उनके बल्ले से 7040 टेस्ट रन्स निकले हैं। एवरेज की बात करें तो सबसे ज्यादा 65.79 की औसत उन्हीं की रही है, तो वहीं इस दौरान उनके बल्ले से 26 शतक और 28 अर्धशतक भी निकले। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इस दशक सबसे ज्यादा वनडे रन्स बनाए हैं। इस दशक वो एकमात्र क्रिकेटर हैं जिन्होंने वनडे में 10,000 रन बनाने का कारनामा किया है। कोहली ने इस दौरान वनडे क्रिकेट में 39 शतक और 48 अर्धशतक भी बनाए हैं, लिहाजा उन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द डेकेड मेल चुना गया है। आपको बता दें, आईसीसी के इस बार के अवार्ड में विराट कोहली का जलवा काफी ज्यादा देखने को मिला। आईसीसी ओडीआई मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड के अलावा उन्हें आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द डेकेड भी चुना गया। साथ ही साथ विराट कोहली आईसीसी की तीनों टीम यानी टेस्ट, ओडीआई और टी20 टीम का हिस्सा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।